हेलो गाइस, तो हमने डे वन में बनाए थे 403 रन, जहाँ पर हमारी 8 विकेट चली गई थी। सबसे ज़्यादा जिंक रहने की नहीं हमने प्ले की थी। तो चलिए बात करते हैं अब सेकंड डे की। तो चलिए जल्दी से सेकंड डे हम स्टार्ट करते हैं, 8 विकेट के आगे कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम लगभग 500 के आगे तो भी निकल पाए, फर्स्ट सेशन से भी हम खेल पाए। तो अगर आपने डे वन की हाईलाइट्स नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप चाहिए वो भी वीडियो आप जल्दी से जाके प्ले कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज के दिन की बात करते हैं। तो अभी हमारे क्रीज पर जो बैट्समैन है वो है आर अश्विन और दूसरे ओर से हार्दिक पांड्या, जो कि 22-23 रन पर खेल रहे हैं। और दूसरे ओर से आर अश्विन जो कि अभी अभी क्रीज पर आए थे, जो लास्ट में कल जो विकेट गिरी थी उसके बाद में आर अश्विन आए थे। तो कोशिश करेंगे कि कुछ तेज़ खेला जाए, इस तरह से चौवे छक्के लगाए जाए। बड़े आसानी से इस बार कनेक्ट किया है हमने और बहुत ही बढ़िया कनेक्ट हुआ है। हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकाल पाया हमने 6 रन। तो इस तरह से सिंगल डबल जो भी गेंद आगे मिलेगी उसका हम फ़ायदा उठाएंगे, और जो भी गेंद अगर कोई हार्ड गेंद होगी तो उसका हम सम्मान जरूर देंगे पूरे तरीके से। और आर अश्विन जो कि अभी अभी क्रीज पर आए तो उनका यहाँ पर कॉन्फिडेंस मीटर काफ़ी नीचे, बट हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस मीटर्स हम यहाँ पर आधा भर चुके हैं, मतलब और आधा भर दिए तो फिर तो मजा ही आ जाएगी भैया। तो चलिए अभी भी हम 24 छक्के निकाल पा रहे हैं, इस तरह से फिर से एक बाउंड्री हमने निकाल दिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। तो जल्दी से नीचे जाइए, जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसको ऑन कर दीजिए, और उसी के साथ में घंटे को भी आप ऑन कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आपको जो भी गेम आपको पसंद है आप उसका कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी मैच आपको देखना पसंद है वो मैच हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो जल्दी से आप कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बात करते हैं अभी हार्दिक पांड्या की। आप सेंचुरी हमने कंप्लीट करवा दी, जो भी मात्र 37 गेंदों में कंप्लीट करवा दी। तो नेक्स्ट गेंद यहाँ पर एक शॉट खेलेंगे और इस बार गैप में निकालेंगे और एक बाउंड्री जरूर निकाल देंगे। ये शॉट कमाल का कनेक्ट हुआ भैया, यहाँ से हार्ड था जरा निकालना हमारे लिए बाउंड्री, बट हमने एक बाउंड्री जरूर वहाँ से प्राप्त कर ली। तो चलिए इस बार कट कर देंगे, और क्योंकि गेंद हमें मारने वाली मिली थी, पीछे गेंद थी और पीछे यहाँ पर गैप मौजूद होता है, वहाँ पर उस गैप में सही तरीके से निकल पाई। और तो चलिए इस बार फिर से बढ़िया शॉट इस बार उठा के मारेंगे, और इस बार फील्डर कोई पीछे होगा नहीं तो एक और बाउंड्री यहाँ पर हमें मिल जाएगी। और कॉन्फिडेंस मीटर की बात करें तो आर अश्विन का भी काफ़ी ज़्यादा लो है, बट हार्दिक पांड्या का यहाँ पर फुल भर चुका है। तो चलिए फर्स्ट सेशन मैंने बात की थी वो हम खेल पाए, कोई भी विकेट हमने गंवाई नहीं है। और चलिए यहाँ पर पहला यहाँ पर हो चुका है लंच का टाइम और हमारे रन हो चुके 547 रन हो चुके हैं, और हार्दिक पांड्या की विकेट जरूर हमने गंवा दी। तो लास्ट विकेट अब हमारे हाथ में, कोशिश करेंगे कुछ रन बनाने की। जसप्रीत बुमराह होंगे, कोशिश करेंगे कि स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा आर अश्विन के पास ही रहे और जितने भी गेंदें मिलेंगे उन पर हम उठा के मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर अश्विन भी पहुँच चुके अब 61 रन पर। तो चलिए अभी जो भी गेंद मिली उसे हम अटैक करेंगे, अभी फिर से चौवा निकालेंगे। चलिए गेंदे तो मीडिया में अच्छे, फील्डर भी कोई आगे मौजूद रखा नहीं तो उसका फ़ायदा हम जरूर उठा सकते हैं। यहाँ पर जरूर सिंगल ही बना पाएंगे। तो भैया इस बार बहुत ही बढ़िया कनेक्ट हुआ, देख सकते हैं आप ये गेंद यहाँ पर छक्के में चली गई और बहुत ही बढ़िया कनेक्शन मिला इस बार हमें। वही इस बार इतना बढ़िया कनेक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और जी बिल्कुल से यहाँ पर आखिरी विकेट हमारी गिरती हुई, जो कि हमने अच्छे खासे रन बना लिए, 569 रन हमने बना लिए, 10 विकेट खोकर यहाँ पर कमाल की बात हुई भैया। फिर भी नहीं, सबसे ज़्यादा रन जो कि अजिंक रहने की नहीं हमने प्ले की थी जो कि फर्स्ट डे में, आप वो भी जाकर देख सकते हैं नीचे, चाहिए आप इस वीडियो के बाद में राजिंग कराने की कमाल के 191 रन की इनिंग आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज की बात करते हैं, यहाँ पर अभी कोशिश करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को कम से कम रन पर हम रोक पाए, कुछ लीड हासिल कर पाए, 100-200 रन की तो लीड हासिल अगर करते तो मज़ा आ जाएगा भैया। तो कमाल की गेंद तो अभी तक निकल रही, यहाँ पर दो ओवर समाप्त हो चुके, अभी तक कोई रन निकल नहीं पाया है। तो अभी प्लान ये करेंगे कि किसी तरह से विकेट मिल जाए जल्दी से, तो बात बन जाए, मतलब विकेट मिलेगी तो दबाव बढ़ेगा ऑस्ट्रेलिया पर। तो चलिए पहला रन यहाँ पर आता है जो कि आया है चौथी ओवर की तीसरी गेंद में, मतलब बहुत ही ज़्यादा वक्त ले लिया भैया पहले के लिए, मतलब ये होता क्या है यहाँ पर बाउंड्री तो बहुत ही कमाल की आई, बट यहाँ पर जो कि गेम की बात है, मतलब जब बैटिंग करते सामने वाली टीम, मतलब जितनी भी गेंदें आप डालोगे, मतलब पूरी गेंदें डॉटी है, जब तक उन्हें कोई गेंद मारने की मिलती नहीं तब तक तो वो कोई शॉट खेलते ही नहीं भैया, तो उसी वजह से बॉलिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो चलिए क्या यहाँ पर रनआउट मिले, और भाई मतलब बहुत ही लेट रिएक्शन करती इस वजह से रनआउट मिलेगा तो नहीं, यहाँ कभी रनआउट मिलता भी नहीं है। तो चलिए अभी कोशिश करते हैं किसी तरह से कोई विकेट मिल जाए यहाँ पर फिर से,
डॉट डिलीवरी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, अभी तक 7 ओवर यहाँ पर हुए थे। तो चलिए अभी स्पिनर को लेकर आ गए हम, तो कोशिश करेंगे कि दबाव डाला जाए किसी तरह से। तो चलिए यहाँ पर कोई नहीं है, रन आउट मिलेगा नहीं, हमें कभी रन आउट मिलता ही नहीं उसको जैसे। तो चलिए यहाँ पर एक सिंगल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, डॉट डिलीवरी यहाँ पर। ओ बढ़िया, ये गेंद बढ़िया हुई भैया, मतलब वहाँ से ऐसी उठी यहाँ पर सीधे पेट में जाकर ही लग गई। तो यहाँ एक सिंगल मिल जाएगा अगली टीम के लिए, ऑस्ट्रेलियन के लिए। तो चलिए अभी सामने गेंद करता हूँ और बाहर की ओर यहाँ पर स्पिन करवाता हूँ, बट यहाँ पर कनेक्ट बढ़िया हुआ है, लेकिन कोई भी फील्डर था तो जरूर, बट वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा यहाँ पर कुछ रन मिलते हुए जरूर ऑस्ट्रेलिया को। फिर से आगे गेंद करनी होगी, बट यहाँ तो भैया मार दिया है, भैया उठा के मार दिया इस बार 6 रन के लिए। तो चलिए यहाँ पर एक छक्का भी देखने मिल, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से स्मिथ, यहाँ पर कैप्टन जो भी क्रिस पर है, और उनके साथ लाभ हुसैन भी क्रिस पर, देखना होगा किसी तरह से विकेट जरूर मिल जाए तो अच्छा होगा हमारे लिए, बट यहाँ पीछे फील्डर हमारे मौजूद है। रन हम इतने दे नहीं रहे किसी भी तरह से, आज का दिन निकालने ज़्यादा रन ना ही लुटाया था अच्छा, बट ये बढ़िया कनेक्शन किया है भैया, एक और छक्का लगा दिया है। तो हम तेज गेंदबाज लेकर तो आए, बट तेज गेंदबाजों की भी अभी धुलाई हो जा रही है, स्पिनरों की पहले धुलाई कर दिया, अभी तेज गेंदबाजों की भी धुलाई हो रही है। मात्र 2 विकेट अभी तक हमें मिले यहाँ पर, पीछे हमारा फील्डर मौजूद होगा, सिंगल डबल तो मिलती जाएंगे। तो या भाई साहब, या थोड़ा जस्ट मिस हो गया, बढ़िया बाउंसर तो की थी मैंने, बट वहाँ पर कोई फील्डर ही हमारा मौजूद था नहीं, बीट तो हो गए थे पूरे तरीके से, बट यहाँ पर अनलकी हमें विकेट मिल नहीं पाई। यहाँ पर फिर से बाउंसर की, बट इस बार यहाँ पर कनेक्शन बढ़िया और ये गेंद स्टेडियम के अंदर भेजती भैया। तो देखना होगा आगे किस तरह से होता है, भैया हमारा फील्डर मौजूद है, यहाँ पर कोई रन आने नहीं देगा। तो फिर से यहाँ पीछे फील्डर है हमारे, थोड़ी से आगे गिरी यहाँ पर, थोड़ी अगर हाथ में जाती तो मज़ा आता। और इस बार कैप में निकल जाए भैया, बढ़िया कनेक्शन, और कैप में लाभ हुसैन की आप सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। तो 2 ही विकेट अभी तक हमें मिली, और लाभ हुसैन की उसी के साथ आप सेंचुरी कंप्लीट किए, 58 गेंदे और 2 चौके और 2 छक्के जरूर लगाए। और यहाँ पर पीछे हमारे फील्डर, यहाँ आपको बाउंड्री मिलेगी नहीं, क्योंकि पीछे फील्डर हमारे हमेशा मौजूद होता है वहाँ पर। चलिए अभी कितना वक्त अभी लगेगा इस विकेट को यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर डे की समाप्ति होती है, सेकंड डे भी यहाँ पर आज समाप्त हो चुका है, और हमारे पास अभी भी बाकी है 362 रन पीछे अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो कोशिश करेंगे किसी तरह से विकेट निकाले। तो आज का दिन का खेल यहाँ पर ही समाप्त होता है, 207 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए मैच, 4 विकेट खोकर 207। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप तक के लिए बस इतना ही।